विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। महादेव को निकलने के बाद मुझे इतनी ग्लानि हुई कि मेरा सारा शरीर झुलस उठा और इसीलिए मेरे इस स्वरूप का नाम ही पड़ा देवी धूमावती। देवी धूमावती मेरी महाविद्या धूमावती संसार में प्राणियों को उनके बुरे कर्मों का फल देने, उन्हें पीड़ा देकर दंडित करने, अकाल महामारी कलेश दरिद्रता आदि उत्पन्न करती है। देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन ज्येष्ठा भी इन्हीं का बड़ा रूप है। हाँ उचित है, माता ज्येष्ठा से तो मैं भी परिचित हूँ। माता माता हमें बताने की कृपा करें कि आपके इस रूप की पूजा से आपके उत्तम भक्तों को कैसा सुफल प्राप्त होता है। देवी धूमावती जिनसे प्रसन्न होती है उसे संसार में समस्त सुख, यहाँ तक कि मोक्ष भी प्राप्त होता है। माता पृथ्वी सूर्य प्रकृति भुवन मृत्यु और सभी प्राणियों को उनके जीवन में भी और मृत्यु के उपरांत भी उनके कर्मों का उचित फल प्राप्त होने का अर्थ यही है ना कि अब सृष्टि में पूर्णता आ चुकी थी। पूर्णता और संतुलन में बहुत बड़ा भेद है गणेश। तुम्हारी क्या मान्यता है, क्या तुम्हारे अनुसार सृष्टि अभी संतुलित है? मैं देवी धूमावती के रूप में पक्षपात रहित न्याय के लिए प्रसिद्ध हुई। मैं मनुष्यों को उनके बुरे कर्मों के लिए दंडित तो कर रही थी, किंतु क्या ये उचित नहीं था कि मैं उन्हें उचित मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित करूं? क्योंकि यदि किसी से एक भूल हो गई, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मनुष्य बुरा है। बुराई को त्याग कर अपने भीतर सुधार लाने का एक अवसर तो सबको प्राप्त होना ही चाहिए। और कभी कभी मनुष्यों को सुपथ पर लाने के लिए मुझे उनके भ्रांतियों को नष्ट करने हेतु शत्रु बुद्धि नाशनी बनकर उस स्रोत को ही नष्ट करती हूँ जहाँ से प्राणी अनुचित शब्द उच्चारित करता है। शत्रु बुद्धि नाशनी, मैं समझा नहीं माता। अवश्य समझोगे गणेश, किंतु उसके पूर्व तुम्हें मेरी अष्टम महाविद्या स्वरूप देवी बगलामुखी से परिचित होना होगा। देवी बगलामुखी, आपकी अष्टम महाविद्या स्वरूप माता? हाँ गणेश, संतान को जन्म देने मात्र से ही माता पिता के कार्य पूर्ण नहीं होते। संतान को अच्छे संस्कार देना भी माता पिता का ही कर्तव्य होता है। अपने देवी धूमावती स्वरूप में मैं अपनी संतानों को उनके बुरे कर्मों के लिए दंडित अवश्य कर रही थी, किंतु उन्हें अच्छे संस्कार देना भी मेरा ही दायित्व है गणेश। हाँ माता, जैसे मेरी माँ के रूप में आपने मुझे सदैव सुपथ पर चलने की प्रेरणा दी, मुझे सदैव अच्छे संस्कार सिखाए। हाँ गणेश, तो हम सभी को ये भी बताओ कि किसी को अच्छे संस्कार कैसे सिखाए जाते हैं? बात के लिए छोड़ा हुआ कार्य कभी पूर्ण नहीं होता। लक्ष्य प्राप्ति के लिए तो अनेक चुनौतियों से संघर्ष कर उन पर विजय पानी होती है पुत्र, उसके बिना कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। और चुनौतियां तो कठिनाइयों का रूप लेकर ही प्रस्तुत होती हैं।
कठोर साधना से साध कर ही उन्हें सरल बनाया जा सकता है पुत्र। इतना स्मरण रखना पुत्र, जो स्वयं को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं वो जगत में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाते। उसे उचित ज्ञान देकर माता। हाँ गणेश, जिस प्रकार अपने देवी पार्वती रूप में मैंने तुम्हें अच्छे संस्कार और ज्ञान दिया, उसी प्रकार अब मैं अपने देवी बगलामुखी स्वरूप में समस्त संसार को गूढ़ ज्ञान देने के इच्छुक थी। ज्ञान मात्र भौतिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, मैं तो उन्हें वो ज्ञान भी देना चाहती थी जो उन्हें भगवान से जोड़ सके, उन्हें जीवन का उद्देश्य समझा सके, उन्हें औषधियों का ज्ञान दे सके ताकि वो स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है। तो माता, आपने माँ बगलामुखी का रूप लेकर सभी को ये ज्ञान सिखाया? मात्र उतना ही नहीं गणेश, मेरे इस रूप में संसार में प्रकट होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण? माता, क्या है वो कारण? एक असुर। देखो, त्रिखुर नामक असुर। अरे व्रथामती, क्या हुआ? कुछ दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दिया, अर्थात क्या दिखाई देना चाहिए मुझे? यही कि हमारे स्वामी की तपस्या संपन्न हुई कि नहीं। नहीं, नहीं हुई दुर्मुखा, स्वामी अब तक अपने तप में लीन है और इतने समय से उनके तप के संपन्न होने की प्रतीक्षा में इस निर्जन स्थान पर स्थित हैं हम। क्या नहीं और कितने समय तक ऐसे ही रहना होगा हमें? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। अरे व्रथामती, अरे व्रथामती, देखकर नहीं गिर सकती थी क्या? दुर्मुखा, तुम देखकर खड़ी नहीं हो सकती थी क्या? गिरा दिया मुझे। एक तो तब से स्वामी की तपस्या संपन्न ना होने के कारण इतनी चिंतित हूँ मैं, और अब तो गिरकर आहत भी हो गई। व्रथामती, वो स्वामी है हमारे, अब जहाँ वो रहेंगे हम वही रहेंगे ना? तनिक कल्पना करो, जब स्वामी को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त होगा तो कितने शक्तिशाली हो जाएंगे वो, है ना? स्वामी की चाटुकार सेविका, कब होगा ये, कब बनेंगे वो शक्तिशाली? इतना दीर्घ समय हो गया, उनका तप संपन्न ही नहीं हो रहा। अब चाटुकार हूँ तो अपनी स्वामी की ना, और वैसे तुम भी तो यहीं स्थित हो तब से, इसी लोभ में ना कि जब स्वामी को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त होगा तो तुम्हें भी लाभ होगा, क्यों व्रथामती? ओम ब्रह्म
देवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय 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 नमः। पुत्र त्रिकुल, तप में होने वाले मेरे कष्ट दूर हो गए, अर्थात संपन्न हुआ मेरा तप। ब्रह्मदेव मेरे आराध्य, अंततः आप आ ही गए मुझे दर्शन देने। प्रतीत होता है स्वामी का तप समाप्त हुआ। हाँ, ब्रह्मदेव प्रकट हुए। अब देखते हैं स्वामी को क्या वरदान प्राप्त होता है। पुत्र त्रिकुल, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। प्रसन्न तो आपको होना ही था ब्रह्मदेव, अत्यंत कठोर तप जो किया है मैंने। अब आप आ ही गए हैं तो मेरी दो बातें सुनिए। एक, इतने वर्षों के घोर तप का उचित परिणाम चाहिए मुझे, और दो, मृत्यु से मुक्ति अर्थात अमरत्व का वरदान चाहिए मुझे। पुत्र त्रिकुल, अमृत्व का वरदान देना तो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अमृत्व के सिवाय अगर तुम्हें कोई और वरदान चाहिए तो मांगो। मुझे ज्ञात था मुझे कि ऐसा ही कुछ कहेंगे आप। कोई बात नहीं, अमरत्व नहीं दे सकते आप तो उसके अतिरिक्त जो कुछ भी मैं मांगूंगा वो मुझे अवश्य देंगे, ऐसा वचन दीजिए आप। मैं वचन देता हूं वत्स, मांगो। क्या मांगना चाहते हो? पुनः दो बातें हैं ब्रह्मदेव, दो वरदान चाहिए मुझे आपसे। एक, ब्रह्मांडीय बवंडर उत्पन्न करने की शक्ति, और दो, इस संसार की कोई भी विद्या कोई भी शक्ति मुझे क्षति न पहुंचा सके। स्मरण रहे ब्रह्मदेव, त्रिदेवों की विद्या भी नहीं। ब्रह्मांडीय बवंडर, ऐसी शक्ति का कहां प्रयोग करोगे? तो इससे क्या लाभ प्राप्त होगा तुम्हें? ब्रह्मदेव पुनः दो बातें हैं। एक, अब और कोई प्रश्न नहीं सुनना चाहता मैं, और दो, जो वचन दिया है आपने उसे पूर्ण कीजिए आप। ब्रह्मांडीय बवंडर अर्थात अथाह शक्ति दे दूं इसे? वचन दिया है मैंने,
उसकी मर्यादा भी भंग नहीं कर सकता मैं। इसे इसका इच्छित वरदान तो देना ही होगा मुझे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ये शक्ति अब मेरे हाथों में आ गई है। अब इसका इच्छा अनुसार प्रयोग करूंगा मैं। धन्यवाद ब्रह्मदेव, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी। बधाई हो स्वामी, आपका तप सफल हुआ। स्वामी, ब्रह्मदेव ने आपको वरदान दे ही दिया। स्वामी, मैं ना आपकी निष्ठावान सेविका हूँ, तब से यहाँ आपकी प्रतीक्षा में स्थित हूँ, और आज मेरी प्रतीक्षा सफल हुई प्रभु। मैं भी प्रभु, यह अकेली नहीं थी यहाँ, मैं भी यहाँ प्रतीक्षा कर रही थी। नहीं नहीं प्रभु, स्वामी, मैं प्रतीक्षा कर रही थी आपकी कब से। मैं भी थी यहाँ पर। नहीं प्रभु, मैं कर रही थी। बस, बस। बालकों के समान आपस में उलझना बंद करो तुम लोग। अभी और बहुत कार्य कर रहा है हमें। स्वामी, कार्य? कैसा कार्य? अब तो आपको वरदान प्राप्त हो गया है और ये दंड भी, और फिर कोई कार्य क्यों करेंगे आप? हाँ स्वामी, दो कार्य कर रहे हैं हमें। एक, संपूर्ण सृष्टि पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना, और दो, सृष्टि के सम्राट पद पर मेरा असीन होना। स्वामी, आपके इस कार्य में तो बड़ी प्रसन्नता से सहायक बनेंगे हम। ब्रह्मांड के सम्राट की सहयोगी होंगी हम। बहुत आनंद आएगा हमें। अब संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी मस्ती में होगा, मेरी मस्ती में होगा। मुझे ज्ञात था मत, असुर प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। उसने वरदान भी मांगा तो ऐसे अहितकर उद्देश्य के लिए। हाँ कार्तिके, ये असुर सर्वप्रथम हमारी भक्ति कर हमसे वरदान प्राप्त करते हैं, और फिर उस वरदान की शक्ति से विनाश का आरंभ करते हैं। त्रिखोर भी यही करना चाहता था, वो समस्त ब्रह्मांड का अधिपति बनना चाहता था। असुर राज त्रिखोर की जय! 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 मेरे असुरो, दो बातें। एक, मेरे हाथ में ये अपार शक्ति का स्रोत, स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा दिया गया दंड, और दो, इस दंड की शक्ति से मैं अपने सभी विरोधियों को
प्रताड़ित और दंडित करूंगा। ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है मुझे, अब कोई भी हमारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। युद्ध कैसा भी हो, विजय हमारी ही होगी। जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसका विनाश करूंगा मैं। ब्रह्मांडीय बवंडर से मैं त्रिदेव को इतना अधिक विवश कर दूंगा कि वो मेरे समक्ष आकर नतमस्तक हो जाए। वो दुष्ट असुर अपने वरदान को शस्त्र बनाकर अपने समक्ष त्रिदेवों को विवश करना चाहता था। अनेक कठिनाइयों के उपरांत ही व्यक्ति को वरदान की प्राप्ति होती है। उन्हें स्वयं को सौभाग्यशाली समझना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए, न कि दुरुपयोग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।